हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन बाय एयरवे एंड वाटरवेज। तो हमने देखा अभी काफी रेलवेज के बारे में काफी कुछ जानने को मिला हमें रोडवेज के बारे में। अब हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, अगर एयरवेज या वाटरवेज होता है तो कहाँ कहाँ हमें इसका यूज करना है और इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो पुराने जमाने में बहुत पहले से वाटरवेज तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें तो वहां पे भी जो ट्रेड्स होते थे वो सारे के सारे ट्रेड्स कैसे होते थे, आपके वाटरवेज से ही होते थे। आपके जितने भी पोर्तुगीज आए हैं, डच आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, वो सब कहाँ से आए हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, तो पहले ये वाटरवेज ही था। तो बहुत पहले एक ऐसा गाना भी चला था, सात समुंदर पार, है ना, तो काफी मुश्किल होता था सात समुंदरों को पार कर पाना। तो वाटरवेज की कहानी तो बहुत पहले से चल रही है। वैसे कहा जाए तो एयरवेज अभी अभी आया है, मगर ऐसा माना जाता है कि रावण ने पुष्पक विमान बनाया था और उसका प्रॉपर कुछ चीजें भी हैं, उसका एयरपोर्ट भी था, तो ऐसे मानते हैं, कथाएं हैं ऐसी। तो वाटरवेज और एयरवेज की जरूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, देखो क्या होता है, जनरली हमें जाना है कहीं पे, तो कहीं पे जाना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमें कहीं, अभी तक तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई, मे बी इन फ्यूचर आ जाए कि हमें घर से बाहर निकलना है और सामने ही हमारा प्लेन खड़ा है, हम उसमें बैठे और चले गए, है ना। तो अभी तक इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। इसी के साथ साथ वाटरवेज भी कहाँ यूज कर सकते हैं, वाटरवेज भी वहां यूज कर सकते हैं कि ये जो अगर आप यहाँ पे हमारा मैप देखें, हमारा इंडिया का मैप है, जहाँ पे यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स भी हैं, गोवा भी है आपका, तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ वेस्ट बंगाल, है ना। तो ये सब सब अगर हम देखें, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स बने हुए हैं, है ना। यहाँ अगर आपको देखें तो ये आपका श्रीलंका यहाँ पे बना हुआ है। तो वाटरवेज के लिए अगर आपको जाना है, यहाँ पे आप देखें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारी चीजें, मतलब कि अर्थ में अगर हम देखें तो 78% तो वाटर ही है, बाकी बचा हुआ 21 पॉइंट कुछ% आपका लैंड है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से कुछ और सारी कंट्रीज हैं। यहाँ पे हमने चाबहार पोर्ट बनाया था, चाबहार पोर्ट का जितना भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो इंडिया ने दी थी, इसलिए कि यहाँ से हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में ये लोग हेल्प कर सके। तो ट्रेडिंग अगर हमें करना है तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे अच्छा रूट कौन सा है, वाटरवेज ही है। हम वाटरवेज का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं अपने आसपास की कंट्रीज में, है ना। तो अगर हमें आसपास की कंट्रीज में ट्रेड करना है जो पानी के उस पार है, तो हम लोग सबसे अच्छा यूज करेंगे वाटरवेज का। तो वाटरवेज के लिए हमें अलग अलग पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे सिस्टम देना पड़ेगा अलग अलग पोर्ट्स का। अच्छा, ये आपको पता होगा लाइन ऑफ कंसर्न यहाँ पे हम लोग बना के रखते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ हमारा एरिया डिसाइड रहता है वाटर में, मतलब पानी को भी हमने बांट दिया है, सोचिए। तो हम लोग यहाँ पे हमारी वाटर की जो हमारी नेवीज रहती हैं, है ना, वो नेवीज खड़ी रहती हैं, इतना हमारा एरिया है, इसमें कोई भी नहीं आ सकता। अभी श्रीलंका में क्या करा था, तो श्रीलंका में पोर्ट वगैरह का डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स का, एयरबेस का डेवलपमेंट चाइना ने कर दिया था, उसको 100 ईयर के लिए लीज पे ले लिया, तो यहाँ पे उसने डिप्लॉय कर दी अपनी सारी चीजें। अब यहाँ से उसको जो भी ट्रेड करना है तो वो आराम से कर सकता है। तो वाटरवेज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अगर हम देखें, मतलब स्ट्रेटेजिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये काफी इम्पोर्टेंट वे है हमारा, है ना। मगर इसको क्या हम अंदर कंट्री में भी यूज कर सकते हैं, तो कभी करा करते थे, नाव चलती थी, है ना, नदियों से इस पार से उस पार जाया करते थे, जब हमारा रेलवेज नहीं था, रोडवेज नहीं था, तो तब सबसे ज्यादा हम वाटरवेज को यूज करते थे, है ना। तो अब ये जो हमारा वाटरवेज है, या अगर हम थोड़ा सा एयरपोर्ट की बात करें, फिर दोनों को कंबाइंडली समझाऊंगी। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं या एयरवेज की बात करूं, तो एयरवेज में क्या होता है, एयरवेज में आप हर जगह, आपको क्या है कि जैसे कि आपको भोपाल है, भोपाल से आपको जाना है नागपुर, ठीक है, भोपाल से नागपुर जाना है और आप चाहते हैं कि ये मैं कम से कम टाइम में कर लूं ऐसा, तो अगर आप भोपाल से नागपुर जाना चाहते हैं कम से कम टाइम में, तो पहले तो भोपाल से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंदौर,
यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं, वैसे तो नहीं मिलती फ्लाइट, तो यहाँ से आप यहाँ से इंदौर जाएंगे और इंदौर से डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, फ्लाइट में बैठ के नागपुर हाफ एन आवर में पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे कुछ अलग अलग हमने बोर्डिंग पॉइंट बना दिए हैं, है ना। तो जैसे जबलपुर में बना दिया है, इंदौर में बना दिया है, भोपाल में बना दिया है, बॉम्बे बना दिया है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज में हम लोगों ने कुछ अलग अलग पॉइंट्स बना दिए हैं, जहां से आप एयरपोर्ट से आप कहाँ जा सकते हो। चेन्नई भी जाना है तो इंदौर जाना पड़ेगा, यहाँ से तो टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से आप ट्रेवल करके जा सकते हैं, अगर आपको कम टाइम में पहुंचना है। अब देखो, अगर मैं इसको और ये वाटरवेज को, यहाँ पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं बोर्डिंग पॉइंट से कि कहाँ से ये पिक कर रहा है और कहाँ पे ये छोड़ रहा है। तो बोर्डिंग पॉइंट और ड्रॉपिंग पॉइंट पे ये डिपेंड करती हैं दोनों चीजें, कहाँ से आप पिक कर रहे हैं और कहाँ पे आप ले जा करके छोड़ रहे हैं। तो ये हर जगह पे या घरों घर पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम हर सिटी में एक एयरपोर्ट बना दें, अभी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट या डेवलप्ड सिटीज हैं उन्हीं को हम चूज करते हैं जहाँ पे आपका एयरपोर्ट मिलेगा। और देखिए, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे आपको हर स्टेशन आपको आसपास ही मिल जाएगा, जो आपके इजी टू रीच रहेगा, है ना। या रोडवेज की बात करें तो रोडवेज तो घर के सामने से बाहर भी निकलना चाहते हो तो आपको बाहर निकलते ही रोडवे मिल जाएगा, मतलब घरों घर तक है, और रेलवे शहरों शहरों तक है। और अगर मगर ये सारी चीजें हम पॉसिबल नहीं है, है ना। तो अगर हम एयरवेज की बात करें या वाटरवेज की बात करें तो दोनों की अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। अगर जितना भी कंट्री का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करें तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम एयरवेज की जगह हम वाटरवेज का यूज करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा चीपर है, ज्यादा क्वांटिटी में आप बल्क क्वांटिटी में पैसेंजर्स को लेके जा सकते हो। यहाँ पे लिमिटेड रहती हैं सीट्स, बहुत लिमिटेड रहती हैं, इसलिए तो इतना ज्यादा हाई प्राइसिंग रहती है। तो यहाँ पे सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो ये जैसे रेलवे बल्क में लोगों को लेके जाता है, एक बार में न जाने कितने पैसेंजर्स बैठते हैं, क्या पॉसिबल है एयरपोर्ट के लिए या फ्लाइट्स के लिए? नहीं है पॉसिबल, है ना। इसी तरीके से अगर हम वाटरवेज की बात करें तो वाटरवेज में जितने आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है एक रिवर से, एक सी से दूसरे सी के में, तो क्या वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वहां पे हम इतना बड़ा ब्रिज बना सकें? इट विल टेक, बना सकते हैं बट इट विल टेक अ हायर कॉस्टिंग एंड विच इज नॉट इकोनॉमिकल एंड इट इज नॉट अ गुड थिंकिंग अबाउट दैट। तो इससे अच्छा हम पोर्ट बना देते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग पोर्ट बना देंगे। तो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग करनी है हाई अमाउंट में करनी है, बल्क में करनी है, और एक सी से दूसरी सी तक जाना है, मतलब एक कंट्री यहाँ है और दूसरी कंट्री सी के उस पार है, तो उस टाइम पे हम वाटरवेज को ही यूज करेंगे। एयरपोर्ट को या एयरवेज को कब यूज करना है? अगर हमें कहीं जाना है, जल्दी पहुंचना है, आपके पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू आर हैविंग द मनी, तो अगर आपको जल्दी कहीं रीच होना है तो आप किसका यूज करेंगे? आपके एयरवेज का यूज करेंगे, है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।